amarró.打卡，怎么退啊？अरे तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों लग रहा है भाई? शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। मैंने तो तुम्हें इंजेक्शन दिया था। देखो तुम्हारे शरीर के सारे अंग कितने शांत हैं और तुम हो के डरे जा रहे हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे जीवन का क्या मकसद था? मैंने तुम्हारे जीवन को एक नया मकसद दिया है। जानते हो क्यों? जब तुम्हारी ये मूर्ति तैयार हो जाएगी तो तुम्हें हजारों की तादाद में लोग आएंगे देखने के लिए। हेलो सर। कंचन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने छुट्टी दे दी थी आज। हाँ सर, मैं सिर्फ काम के लिए थोड़ी ना स्टूडियो आती हूँ। आप तो जानते ही हैं मुझे मूर्तियां बनती देखना कितना ज्यादा पसंद है। हाँ। वाओ सर, कितनी अद्भुत मूर्ति बना रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि आपने इसमें जान ही डाल दी है। और सर, ये तीनों मूर्तियां कितनी एक जैसी बनाई है आपने। किसने फोन किया था? सर मैंने फोन किया था, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। कहाँ है? सर ऊपर, आइए मेरे साथ। वहां पर सर, आज सुबह जैसे ही मेरे वर्कर्स ने काम शुरू किया, ये प्लास्टर उखड़कर अचानक नीचे गिर गया। तब हमें ये नजर आया। हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए
तुरंत आपको कॉल किया सर। आप जरा कोई हथौड़ी वगैरह दीजिए मुझे। हाँ सर, ये लीजिए सर। पंकज सबको रोक के रखना, थोड़ा पीछे आ जाओ, आ जाओ पीछे। चलो माय गॉड, मॉम है, सिंधा मॉम। चुप। अमोश, मुझे निवृत्तनामा चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, कैसे भी चाहिए। कोई रास्ते में आया, बीच में आया, उड़ा दो उसको। शूट हिम। यस बॉस। ऑल क्लियर? क्लियर। और वो कहाँ है, कहाँ वो विखे? बस वो उसे दो दिन पहले भेजा था निवृत्तनामा के लिए, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, कहाँ है वो? शायद उसे अब तक निवृत्तनामा मिला ही ना हो। बहुत शायद उसे अभी तक निम्रतामा मिला ही ना। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, सारे गधे मेरे लिए काम करते हैं। अगर कल तक तुम लोगों को निम्रतामा नहीं मिला तो शायद इसके बाद तुम लोग काम करने के लायक ही नहीं रहोगे। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। कमाल है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बम लगा के रखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? जब यहाँ पे लोग रहने आएंगे तो सबके सब मारे जाएं? इतनी बड़ी साजिश किसने किया ये सब है? सर मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था। अगर वो प्लास्टर उखड़ कर नीचे नहीं गिरता मुझे तो ये भी पता नहीं चलता कि इसके पीछे कोई बॉम्ब है। झूठ मत बोलो, समझे? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में आज से 6-7 साल पहले जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, कुछ दिन बाद ही किसी डिस्प्यूट की वजह से बिल्डिंग का काम बीच में रुक गया, और अभी कुछ दिन पहले ही जब ये सारा मामला सुलझ गया तो आज फिर से दोबारा काम शुरू हुआ था। सर मुझे लगता है कि ये बॉम्ब उसी समय रखा गया होगा जब इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ होगा। 6-7 साल पहले? अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब है किसी ने इतनी लंबी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि आज बॉम्ब लगाएगा और वो 6-7 साल बाद फटेगा। 6-7 साल पहले यहाँ सुपरवाइजर कौन था, तुम थे? नहीं सर, तब तो मनी था, वो तो तभी काम छोड़कर कहीं भाग गया था। अच्छा, और यहाँ पे जो मजदूर वगैरह काम कर रहे थे उनमें से कोई ऐसा है जो अभी भी हो? सर ये तो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, आज कहीं कल कहीं और। पर हाँ सर, मुझे उस समय की एक काम करने वाली औरत के बारे में कुछ पता है, हो सकता है वो आपके कुछ काम आ सके। कौन है वो औरत है? सर लोग कहते हैं कि उसने वहाँ कुछ देखा था। नाम तो बंधनी बताते हैं उसका, कहाँ रहती है ये नहीं पता। पर हैरानी की बात यह है सर कि उसने कुछ दिनों बाद ही एक बड़े बिल्डर से शादी कर ली थी। क्या? बिल्डिंग में काम करने वाली एक मजदूर औरत ने एक बिल्डर से शादी करी? ये जिंदा बॉम्ब था, मैंने डिफ्यूज कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, शुक्र है
वक्त पे हम लोग आ गए वरना बहुत अनहोनी हो जाती है। लेकिन सर खतरा भी डाला नहीं है, ये बॉम्ब एक सीरीज का हिस्सा है। क्या मतलब? ऐसे कितने बॉम्ब शहर में लगाए गए होंगे, सब बॉम्ब का एक ही ट्रिगर है जो कहीं भी किसी के पास हो सकती है। आपके कहने का मतलब है पूरे शहर में बॉम्ब लगे हुए हैं और किसी के पास ट्रिगर है वो कभी बुड़ा सकता है? जी हाँ। माय गॉड, 6-7 साल पहले किसी ने सारे शहर में बॉम्ब लगाए हैं और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। बॉस, कंचन आ गई। एक्सीलेंट, कंचन मैं जानता था कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो तुम कर लोगे। ये होता है कमांडर, मेरा बेस्ट कमांडर। लाइव होना मेरा नीब्रत अंबा। लाओ 2 बजे। देखो सीखो इससे कुछ, देखा लड़की मगर काम करके आई। सीखो कुछ उससे। किसने किया ये? किसने मारा विकी को? तुमने? क्या तुमने मारा उसे? पहले नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगी? क्या फिर गुंडरची ने किया ये? बोलो, स्पीक अप। नहीं, जब मैं निब्रत अम्बा और विकी को ढूंढने के लिए गुंडरची के स्टूडियो में पहुंची तो बस वहाँ पे बहुत खतरनाक लोगों ने हमला कर दिया था और मेरे ख्याल से वो भी निब्रत अम्बा को ही ढूंढ रहे थे। क्या कुछ और लोग भी निब्रत अम्बा को ढूंढ रहे हैं? कैसे हो सकता है? कौन है वो लोग? कौन है वो? बस मैं, मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ बहुत बहुत हुआ था, उन लोगों ने पूरा स्टूडियो तहस नहस कर दिया और फिर गुंडरची तो वहां से भाग कर छुप गया, मगर मेरे ख्याल से उन लोगों को भी निब्रत अम्बा मिल नहीं पाया। अरे फिर उनके जाने के बाद तुम लोग से ढूंढा क्यों नहीं? और मैंने ढूंढा था, मैंने सब जगह ढूंढा था बहुत, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। और मुझे लगता है कि फिर गुंडरची ने ही निब्रत अम्बा को कहीं छुपाया है। इसका मतलब निब्रत अम्बा अभी भी फिर गुंडरची के पास है। क्या हुआ है यहाँ पे? खून कैसे? पापा गए? मुझे नहीं पता मेम साहब, मैं दोपहर का खाना लगा के यहाँ स्टूडियो सर को बुलाने आया था और ये सब देखा, मुझे कुछ नहीं पता। क्या रिलैक्स है मैम, पापा जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, उनको कुछ नहीं हुआ होगा। पापा का फोन ट्रैक करती हूँ। पापा फोन नहीं उठा रहे, फोन कुछ कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पापा को रिलैक्स रिलैक्स, हिम्मत रखो। उसे देख के लगता है कि जिसने भी ये सब किया है बड़े गुस्से में था। ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता सचिन, 3 या 4 या फिर उससे भी ज्यादा हमलावर होंगे। ये देखो आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। क्या हुआ है मेरे पापा को? किसने मारा मेरे पापा को, बताइए ना प्लीज। रमा ये बात तो साफ है कि यहाँ पे कुछ भयानक हुआ है, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है ये अभी कहना मुश्किल है। यहाँ सबसे पहले आया कौन था? साहब सबसे पहले मैं ही आया था दोपहर का खाना खाने के लिए, जब
सर को मैं स्टूडियो बुलाने आया तो मैंने ये सब देखा साहब। आप दोनों कौन? सर ये कुंदन हमारे घर का नौकर और ये अमित है मेरा मेरा बॉयफ्रेंड। सर ये तलवार मिली। तलवार? तो हमला तलवार से किया गया था? सर आजकल तलवार कौन इस्तेमाल करता है? तो निंजा तलवार लगती है। तो क्या निंजा लड़ाकू ने हमला किया? मतलब किसी प्रोफेशनल का काम है? खून के निशान से तो यही लगता है कि यहां से किसी लाश को घसीट के ले जाया गया है। लाश? तो मतलब आप लोगों को भी लगता है कि मेरे पापा को किसी ने मारा है? देखो रहमा अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ ऐसे ही किसी इरादे से कुछ लोग यहाँ पर आए थे। तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है वो तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। सर ये घसीटने का निशान दरवाजे के बाहर जाके खत्म हो जाता है। बाहर चल के देखते हैं। पर रहमा तुम्हारे पापा की एक फोटो चाहिए। जी जी सर। सर उनके निशान बस यहीं तक है। यहां तक तो खून के निशान दिख रहे हैं। ये क्या है? लगता है पहिए के निशान है। सर ऐसे कैसे पहिए? क्या किसी कार के पहिए इतने पतले होते हैं? नहीं श्रेया किसी गाड़ी के पहिए इतने पतले कैसे हो सकते हैं? ये किसी और तरह की गाड़ी हो सकती है। सर फिर ये किस तरह की गाड़ी हो सकती जिसके पहिए इतने पतले हो? हो सकता है श्रेया हमला करने वाले के पास कोई खास किस्म की गाड़ी जिसके टायर इतने पतले हो। या फिर यहाँ की गाड़ी हो। मूर्तिकार का स्टूडियो है मूर्ति बनाने के लिए सामान वगैरह तो आता ही होगा। इसका मतलब है किसी ने लाश को यहाँ तक घसीट के लाया और उसके बाद उसे इस गाड़ी में लाद के यहाँ से आगे ले गया। इस तरह जा रहा है ये निशान। चलो आगे चल के पता करते हैं। पहिए के निशान तो इसी तरफ आए थे पर यहाँ से आगे किस तरफ गए ये कैसे पता चलेगा? लो ये कैमरा इसी से पता चलेगा वो किस तरफ गया। श्रेया इसकी फुटेज निकलवा। दाची का खून नहीं हुआ है बल्कि वो खुद खूनी है। उसने किसी को मारा लाश को घर से बाहर लेके आया और हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया लाश को ठिकाने लगाने के लिए। सर इसका मतलब घर के बाहर जो हमें पहियों के निशान मिले थे वो इस हाथ गाड़ी के थे? हाँ श्रेया इसी हाथ गाड़ी के जिस पे लाश डालकर वो ले गया। सर फिरगुन दाजी के यहाँ तो हमें काफी जूतों के निशान मिले थे पर वहाँ का जो हाल था उसको तो देख के साफ होता है कि हाथापाई काफी हुई वहाँ पे। Exactly क्या हुआ ये तो फिरगुंदार जी ही बताएगा। लेकिन सर अगर फिरगुंदार जी ने किसी को मारा है तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? लाश को इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके से क्यों लेके जाएगा? अगर लाश को किसी ने देख लिया होता तो फिरगुंदार जी ने सोचा होगा कि लाश को अच्छी तरह से लपेट कर हाथ गाड़ी के ऊपर डाल के ले जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा। काफी चालाक है। देखते हैं ये आगे कहां जाता है। सर वो तो इस सड़क की तरफ मुड़ गया। ये सड़क तो तुलसी रोड पर बंद पड़े खदान और ओगल झील की तरफ जाती है। पहिए के निशान तो और भी आगे जा रहे हैं। निशान यहीं खत्म हो गए। पर सर ये देखिए जूतों के निशान हैं। क्या इसका मतलब यहां पर एक से ज्यादा आदमी थे?
ये सारे जूतों के निशान फिरगुंदार जी के ही है। और उसके बाद वापस यहाँ पे पीछे की तरफ आके उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को आगे की तरफ धकेल दिया। तो वो आदमी बॉडी को यहाँ पे लाया और यहाँ से नीचे फेंका। ड्राइवर्स को बुलाओ, पूरे झील को ढूंढना पड़ेगा। तुम इस तरफ जाओ। ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं होना चाहिए। इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे है सर। ट्रेन आगे लो। लाश को बांध के स्क्रीन पे लटका दो। कर लो। फिंगरप्रिंट्स मिले तार के? हाँ, मिल गए। शुक्र है भाई कि सीमेंट ज्यादा सूखी नहीं थी, वरना इस छोटी सी हथौड़ी से इसे तोड़ने में पता नहीं कितना वक्त लगता। अरे सर, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर सूख गया है तो बड़ा है, थोड़ा वो स्लेजहैमर होता है ना, उससे मड़ा फाड़। पंकज, इसमें लाश तो संभाल के करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि खूनी ने लाश को सीमेंट के अंदर ही क्यों छुपा के रखा। ना बस, ये तो वाकई एक मिस्ट्री है। मेरे को जरा फोर्स है तेरा सर। क्या हुआ सर, कुछ मिला क्या? बस ये देखो, ये ट्रैकर सीमेंट में छुपा के रखा गया। इसका मतलब साफ है, खूनी इस लाश से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि वो सीमेंट में छुपा करके इस लाश को झील की गहराइयों में छुपा देना चाहता था, ताकि जरूरत पड़ने पर इस ट्रैकर के जरिए उसे वापस से ढूंढ सके। क्यों क्यों ट्रैक करके ढूंढ ले? क्यों उसे लाश चाहिए थी? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। कमाल है यार तुम्हारा, एक सवाल का जवाब तुम्हें मिलता है और तुम दंड से दूसरा सवाल गोली की तरह से डाल देते हो। अरे सांस तो लेने दे मेरे भाई। ओहो, तरीका कि उसका बाप इतना बेरहम इंसान है। मेरे पापा खूनी? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? फिरगुंदार जी खूनी है, और तुम जानती हो उसने कैसे मारा? जिंदा इंसान को सीमेंट के अंदर दफन कर दिया। क्या? हाँ, तुम्हारे पापा ने एक जिंदा आदमी की मूर्ति बना दी। बेचारा सीमेंट के अंदर घुट कर मर गया वो। उसके बाद उसके सर को तलवार से काट दिया। नहीं, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसने लाश को हाथ गाड़ी के ऊपर डाल दिया और उसके बाद वहाँ झील में डाल के लाश को फेंक दी, ताकि किसी को लाश ना मिले। ओह गॉड, अभी कहाँ है वो? अब तक तो पता नहीं, लेकिन जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे हम। नहीं पापा, ऐसा नहीं कर सकते। पापा ढूंढ के लाओ, पापा को ढूंढ के लाओ ना। परेशान मत हो रहमा, हम पापा को लेकर आएंगे। वो कभी किसी को नहीं मार सकते। रहमा मैम साहब, आप संभाल लिए अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब वापस आ जाएंगे। सर पूरा स्टूडियो छान मारा, लेकिन वो हाथ गाड़ी कहीं नहीं मिले। सर
सर, मैंने फिरगुद नारजी के बारे में पता किया। उसकी शहर में और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है। हमारे पास अभी तक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। फिरगुद नारजी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उसके कई सारी प्रॉपर्टीज है, तो हो सकता है इन्हीं में से किसी एक प्रॉपर्टी में छुप के बैठा हो। ढूंढ के निकालते हैं इस फिरगुद नारजी को। भाग गया, भाग गया मेरा निवृत्त अम्बालिकर। और तुम लोग खड़े खड़े कदों की तरह देखते रहे। निकम्मे कहेंगे, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। सर टेंशन नहीं सर, वो जल्दी मिल जाएगा। सीआईडी भी उसे ढूंढ रही है। टेंशन नहीं है सर, वेरी गुड। सीआईडी भी उसे ढूंढ रही है। कहते हैं अगर वो लोग फिरगुद नारजी तक हमसे पहले पहुंच गए तो निवृत्त तांबा उन्हें पहले मिल जाएगा। कुछ भी करो, मरो या मरो, सीआईडी से पहले उस तक पहुंचो। अंडरस्टूड? ओके सर। या सर। डियर सर, फिरगुद नारजी जैसे मूर्तिकार को किसी का खून करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या मेरी आ सकती है? ये काम तो कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसका दिमाग ठिकाने पर ना हो, या फिर कोई ऐसा अपराधी जो विकृत हो, सीडिस्ट हो। सालू के साथ कुछ दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ फ्रेडी, कुछ है, लेकिन क्या है? देख ना सालू के, जल्दी देख। हाँ बस अभी पता चलता है क्या है। क्या चीज़ है ना? हाँ। सर कितना सुंदर है। बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना लग रहा है। फिर तो काफी महंगी होगी। और क्या सर, एकदम ऐतिहासिक लग रही है। पुरानी चीजों के शौकीन की वो मांगी कीमत देंगे। अभिजीत, किसी जिंदा आदमी के शरीर में इसे रखना और फिर उसी जिंदा आदमी को इस चीज के साथ सीमेंट के अंदर चुन देना और फिर उसी को झील में फेंक देना, बहुत बड़ा चक्कर है इस चीज के पीछे। इसलिए असलियत तो ये फिरगुद नारजी ही बताएगा। लगता काफी समय से बंद है ये जगह। तेरे यहां तो आसपास कहीं हाथ गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। जरा आसपास चेक करो। सचिन, हाथ गाड़ी यहीं थी, ये देखो पहिए के निशान। ये क्या है? ड्राइवर साहब, ये रहा हाथ गाड़ी। संभाल के आराम से। अजीब है सर, पहिए का निशान है लेकिन पहिया निकाल दिया गया है। छुपाने में आसानी होती है। और सर ऐसी रंग बिरंगी हाथ गाड़ी भी बहुत ही कम देखने को मिलती। हाँ, रंग में है, खून का रंग भी है। ये उस मरे हुए आदमी का खून तो नहीं? ये देखो, को घसीट के ले जाया गया है। ये देखिए सर, खून की बूंदे, जमीन पोली है। आप रखो तो जरा। एक मिनट, हाथ से निकालो, हाथ से निकालो।
निकालो से बाहर। इस तरफ एक मिनट संभाल के। इस हाथ गाड़ी के ऊपर से उंगलियों के निशान उठा लो, शायद उसी से पता चल जाए किसने किया ये सब। सर, इसने मारा होगा इसे, और क्यों? जो कोई भी है उसे फिरगुन दारची के प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी जानकारी थी, तभी वो यहां तक आ पाया। ओ, तो ये बात है। पता है तुम लोगों के गले में हमने ये क्यों डाला है? ABC, जो कि हमें तलवार और हाथगाड़ी के ऊपर से उंगलियों के निशान मिले हैं, और बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि वो उंगलियों के निशान है किसके। फिरगुन दारची और उस आदमी को किसने मारा सामने आ जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनकी बेटी हूँ, मैं अपने पापा को क्यों मारूंगी? सर, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सर, किसने कहा जो किसी से प्यार करते हैं उसे मार नहीं सकते? हो सकता है कि तुम भी कभी उसके गुस्से का शिकार बनी हो, और अब अचानक यूएस से आ गई हो उसे बदला लेने के लिए। वैसे मार तो तुम भी सकते हो अमित, तुम रहमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन रहमा के पापा फिरगुन दारची ने शादी से इनकार कर दिया। क्यों? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। माना कि उन्होंने शादी के लिए इनकार किया था, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि एक ना एक दिन मान जाएंगे। मैं उनको क्यों मारूंगा सर? चलो, ए ने मुंह खोला, बी ने मुंह खोला, अब बारी सी की है। क्यों कुंदन, तुम कुछ कहना चाहोगे? हैं? मैं अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। आप ये सच जरूर है कि उनका बर्ताव बहुत अजीब सा था, लेकिन मैं भला उन्हें क्यों मारूंगा? साहब, रहमा मेम साहब के बाद सबसे ज्यादा प्यार वो मुझसे करते थे, मैं उनका वफादार नौकर हूँ सब, मैं क्यों? हाँ हाँ, वैसे तो तुम तीनों के तीनों दूध के धुले हुए हो, तुम क्यों मारोगे? लेकिन जिसने भी फिरगुन दारची को मारा है ना, इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसकी मौत तो हो ही गई और उसकी आंख भी निकाल दी। जी सारों की सर। तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सर क्या? तुम लोगों ने जो तीन फिंगरप्रिंट्स भेजे थे ABC, उन तीनों फिंगरप्रिंट्स में से एक फिंगरप्रिंट तलवार के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया है। कौन है? ओके सर। सर, तलवार पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मैच हो गए हैं। कौन है ABC में से, कौन निंजा वॉरियर है? सर, मैं मानता हूं कि मैंने निंजाओं के साथ मिलकर फिरगुन दारजी के स्टूडियो में हमला किया था, लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं था। सर, स्टूडियो पर ही क्यों हमला किया? क्यों तबाही मचाई वहां पर? क्या ढूंढने गए थे? नेब्र तांबा लेने के लिए गया था। नेब्र तांबा? ये क्या है? सर, मुझे भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं सर, बस हमारे निंजा टीम के लीडर को मालूम था। किसके इशारे पे कर रहे थे तुम ये सब? कटोरी डमटा? कटोरी डमटा? सर, मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। सर, हमें तो वहां पर हरप्रीत डोंगरा की वाइफ ने भेजा था। क्या? हरप्रीत डोंगरा की वाइफ? ये तो कुछ बड़ा ही मामला लग रहा है सर। हरप्रीत डोंगरा की वाइफ भी शामिल है, और ये सारे मर्डर इस नेप्र तांबा के चक्कर में हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ है। तभी तो ये फिरगुन दारची ने उस आदमी को मारकर उसके शरीर में वो ट्रैकर फिट किया। कहाँ है ये हरप्रीत डोंगरा की वाइफ? सर, मुझे नहीं पता। उसके इशारे पे काम करता है, और तुझे नहीं पता? सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। यस सर, ओके सर। सर, फिरगुन दारची के खूनी के फिंगरप्रिंट्स हाथगाड़ी पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हाथगाड़ी पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हाँ, मैंने मारा फिरगुन दारची को नेब्र तांबा पाने के लिए। हाँ साहब। तुम्हें नेब्र तांबा लाने का काम किसने दिया था?
कटोरी ने। तभी मैं सोच रहा था ये कटोरी डमटा छुप कर बैठा कहाँ है, ये सारा खेल इस कटोरी डमटा का ही है। सर मैं निब्रतामा के लिए ही फिरगुन दार्ची के घर पे नौकर बन के काम कर रहा था। सर कटोरी ने मुझे पहले भी बताया था कि उसने विकी को भी इसी काम के लिए उसके घर भेजा था, लेकिन फिरगुन दार्ची ने इसे पुतला बना के मार दिया था साहब। लेकिन तुमने उनका खून क्यों किया और वो भी इतनी बुरी तरीके से? नहीं नहीं साहब, मैं तो सिर्फ निब्रतामा मांगने गया था उससे। कुंदन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निब्रतामा किधर है? निब्रतामा? तुम्हें निब्रतामा से क्या मतलब है? वो जाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम मुझे बस इतना बता दो निब्रतामा कहाँ है। तुमसे पहले भी मुझसे कोई निब्रतामा के बारे में पूछने आया था, पता है मैंने उसके साथ क्या किया? अपने इन्हीं हाथों से उसकी मूर्ति बना दी, उसे जान से मार डाला। कटोरी के आदमी की तरह तुम क्यों मरना चाहते हो? चलो जाओ यहाँ से। कटोरी का आदमी मैं भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ उस विकी के जैसा मरने नहीं, तुझे मारने आया हूँ। अगर तूने मुझे निब्रतामा के बारे में नहीं बताया तो। जब से तुम जूते के फीते बांधना सीख रहे थे ना, तब से मैं क्राइम की दुनिया में हूँ। देख तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? चल जा। मुझे अपनी मतलब की बातें निकलवाना। निब्रतामा को कहाँ छुपा के रखा है? ये आंखें गवाने के बाद भी मुंह नहीं खोलेगा तू? नहीं बताएगा? मैंने इसे मार दिया क्या? अगर कटोरी को पता चले कि निब्रतामा के बारे में पता चलने से पहले ही मैंने इसे मार दिया, कटोरी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस लाश को कहीं तो छुपाना होगा, कहीं छुपाना होगा। इसीलिए सबसे पहले तो मैंने लाश छुपा दी और फिर वो हाथ गाड़ी भी छुपा दी साहब। ऐसा क्या खास है इस निब्रतामा में जो कटोरी इतना परेशान है पाने के लिए उसे? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर कटोरी को निब्रतामा नहीं मिला तो वो जमीन आसमान एक कर देगा। और सर निब्रतामा के लिए अब तक उसने रायमा मैडम को किडनैप भी कर लिया होगा। मजा आता देखकर मेरे पीछे भागती सीआईडी को। पिछले बाय बाय दया, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।